नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्डिगन का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई, जिसे बनाने के लिए 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से, तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 2, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। तो ये पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, 2 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा। दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा। और फिर लास्ट में 3 फंदे आएंगे, तो 2 फंदा उल्टा और अंतिम फंदा सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, 2 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा। सामने से हमने 2 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा बुना था, तो रॉन्ग साइड से 2 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा हो जाएंगे। तो इसी तरह बुनते हुए इन्हीं 5 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा। अब ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे, अगले फंदे को ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बना लेंगे। अब जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे ऐसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब ऊन को दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और अगले 2 फंदे उल्टे। अब ऊन को अपनी तरफ रखे रहेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब ऊन दूसरी तरफ ही है, यहाँ पे हमारा 2 फंदा घट गया। ये ऊन को हमने अपनी तरफ रख के सीधा बुना है, तो यहाँ पे एक जाली बन गया है, यानी एक फंदा यहाँ बढ़ गया। अब ऊन को दूसरी तरफ रख के रहेंगे और ये 2 फंदे जब हम उल्टा बुनेंगे, तो यहाँ देखिए एक जाली ये अपने आप पड़ जा रहा है, यानी एक फंदा यहाँ बढ़ गया, तो ये दोनों फंदे हमारे बैलेंस हो गए। अब 2 फंदा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे हमें इन तीनों फंदों को एक करना है और उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे तो जाले भी पड़ जाएगा। तो ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया, 2 फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे और तीसरा फंदा ऐसे उठाएंगे, स्लिप किया हुआ फंदा, और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे घट गए, ये हमारा एक जाली बन गया, यानी एक फंदा यहाँ बढ़ गया है। उनको दूसरी तरफ रखे रहेंगे और अगले 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब दूसरा जाली यहाँ पड़ गया, यानी ये 3 फंदे वापस बैलेंस हो गए। तो हम इन दोनों फंदों उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब फिर यही क्रम हम दोहराएंगे, उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे, सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदे एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे, उनको दूसरी तरफ रखे रहेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे,
उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। अब स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, उनको दूसरी तरफ रखे रहेंगे, अगला दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, जाली वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है उसे भी उल्टा बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा इसे भी उल्टा बुनेंगे, तो हमारे ये तीन फंदे उल्टे हो गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, ये दो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, जाली वाला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर ये जाली वाला फंदा ये उल्टा, तो रॉन्ग साइड से हो गए दो फंदे सीधे और तीन फंदा उल्टा। दो फंदे सीधे उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब पांचवा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे और तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उन अपनी ओर करना है, दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा, यानी हमारा पहला लाइन दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा, और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे, और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, अब उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। सातवें लाइन में हमारा तीसरा लाइन रिपीट होगा, तो चार ही लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरी स्वेटर में दोहराना है, तो मैं थोड़ा सा बुन के आपको दिखाती हूँ ताकि डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, चार लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।